पहले बस इस कार के पास एक चीज़ नहीं थी, वो था इसका स्पेस, बैक स्पेस। अब स्पेस इन्हेंस कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा जगह बढ़ा दी गई है कार में। और ये आती है एडास लेवल 2 के साथ। अब मतलब आपको ड्राइवर असिस्टेंट मिलेगा, अब आपको स्टैंड छोड़ के चला सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हमारे साथ है वरना, यह है वरना का कलयुगी नया अवतार। और बीच में आपको मिल जाएगी यहाँ पर हुंडई का लोगो, और साइड में आपको मिल जाएंगे पार्किंग सेंसर्स। अब आपको इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलने लग गए हैं, 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, फ्रंट पार्किंग सेंसर 4 मिलेंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी साइड में पूरी स्ट्रिप लाइन, देख रहे हैं पूरी LED के अंदर आपको मिल जाएगी DRL के रूप में। और ये आपको मिलेंगे 3 बीम, हाई बीम और लो बीम, और यहाँ पर कॉर्निंग लैंप, और ये हेलोजन इंडिकेटर, यहाँ पर एग्जॉस्ट, और कुछ ऐसा दिखता है इसका लुक। और साइड से कार कुछ ऐसी लगती है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ज़बरदस्ती वीडियो बना के ला रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और कुछ ऐसी दिखती है साइड से। और इसमें आपको यहाँ पर बीच में हुंडई का लोगो मिल जाएगा, और इसमें आपको सेक्शन मिलेगा 205/55R16 इंच के अलॉय मिलेंगे। यहाँ से भरेंगे पेट्रोल डीजल, अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और यहाँ पर एक क्रोम लाइनिंग की दी गई है आगे तक, वो आर्मियम तक आगे, पीछे क्वार्टर ग्लास से आगे तक दी गई है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर LED के अंदर, और यहाँ आपको ORVM मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे वाइपर, दो वाइपर मिल जाएंगे इसके अंदर आपको। और ये मिल जाएगा आपको डोर हैंडल, यहाँ पर आपको कोई कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी। और कुछ ऐसा दिखता है इसका साइड डोर, प्योर ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, कोई यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको नॉर्मल हार्ड प्लास्टिक, ये ग्रैब हैंडल, विंडो अप डाउन, ट्विटर के साथ आपको नीचे मिल जाएंगे बोस के स्पीकर। जी हाँ, इसके अंदर आपको बोस के स्पीकर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगा। और कुछ ऐसा दिखता है इसका प्रीमियम इंटीरियर, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। और हुंडई की वरना भी अब बड़ी हो गई है, अब ये छोटी नहीं रही। पहले लोग इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि छोटी थी, जगह कम थी, अब वो बात नहीं है, अब ये सेगमेंट किलर गाड़ी बन चुकी है। और कुछ ऐसा दिखता है इसका ये पीछे वाला डोर भी वही ब्लैक कॉम्बिनेशन में, रेड की स्टिचिंग के साथ मिलेगी अब ये गाड़ी आपको। ये है 1.5 टर्बो, यहाँ पर आपको वही नॉर्मल कंट्रोल मिल जाएंगे, लॉक अनलॉकर जो भी वगैरह वगैरह आप जानते हो। आप तो ये ब्यूटी देखो वरना की ब्यूटी देखो, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई है अब तो आपको फ्रंट। लेकिन ये गलत किया, पीछे आपको वो नहीं मिलेंगे डिस्क ब्रेक, अब नहीं मिलेंगे। और कुछ ऐसी दिखती है कार पीछे से, मतलब इसके कट्स और ये जो एजेस बनाए हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पोर्टीनेस को अग्रेसिव कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कंपनी ने बाकी छोड़ रखी हो, आपके सार्फिन एंटीना हो, कुछ भी हो, डिफोगर हो, हाउ, मतलब सब कुछ दे दिया कंपनी ने, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर आपको 2 हेलोजन में लाइट मिल जाएगी, ये ब्रेक लाइट आपको मिलेंगी LED के अंदर, और ये पूरी लाइनिंग आपको पूरी LED के अंदर मिलेगी। जब आप ब्रेक दबाओगे तब ये जलेगी, उससे पहले नहीं जलेगी। यहाँ पर 1.5 टर्बो की बैजिंग, और यहाँ पर आपको वरना, और ये आपको कैमरा मिल जाएगा यहाँ पर, वरना की बैजिंग हो ही गई, ये हुंडई का लोगो हो ही गया। पीछे से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, प्रीमियमनेस भर भर के दी है। 4 इसमें पार्किंग सेंसर मिलेंगे आपको नीचे, और ये आपको थोड़ी सी गार्निश मिलेगी ब्लैक पियानो के साथ। और मतलब क्या ही बताएं गाड़ी का, तो क्या ही कहना है, मतलब ये जो एजेस और ये कट्स बनाए हैं ना, बहुत ज़्यादा लुक इन्हेंस कर रहे हैं। और ये है इसका फ्रंट डोर, फ्रंट डोर के अंदर भी वही ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, 1 टच अप और 1 टच डाउन का फंक्शन भी इसके अंदर आपको ड्राइवर साइड की विंडो में मिलेगा। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगी हार्ड प्लास्टिक, या आपको मिल जाएंगे सारे कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल, लेफ्ट राइट, फोल्ड एंड फोल्ड वाला सिस्टम। और साइड में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं साइड में आपको ये क्रोम हैंडल मिल जाएगा, डोर हैंडल, यहाँ पर आपको बोस के स्पीकर, पूरे स्पीकर आपको बोस के मिलेंगे ट्विटर के साथ। यहाँ पर कप होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टेबल, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी आप करना हो आप कर सकते हो, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिक बटन के साथ मिलेगी अब। और ये है इसका ब्लैक के अंदर पूरा डैशबोर्ड, यहाँ पर इग्निशन ऑन ऑफ करने का, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी फिनिशिंग रेड और ब्लू, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर के साथ मिलेगा आपको। लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी, और आगे वाली सीट वेंटिलेटेड, और मतलब कि गर्म भी मिलेंगी और ठंडी, दोनों कॉम्बिनेशन अब हुंडई ने इसके अंदर आप दे दिए हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब वूफर,
और यह है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑक्स, ब्लूटूथ, एक्स वाई जेड सारे फीचर इसके अंदर दे दिए हैं। और ये है इसका गलत चीज़, ये आपको नॉर्मल मिलेगा, वेन्यू की तरह दे दिया यहाँ पर सुजुकी का लोगो, स्टीयरिंग में यहाँ से चूहा खा गया। ये आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, MID कंट्रोल, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट कंट्रोल, यहाँ पर वाइपर कंट्रोल, और राइट साइड आपको मिल जाएंगे हेडलाइट कंट्रोल के साथ। राइट साइड, ये राइट साइड, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, स्टीयरिंग आपको टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों मिलेगा, रेड स्टिचिंग के साथ आपको लेदर्स के कवर लगा के दिए कंपनी ने, जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम ने इसको बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एम्बिनेशन लाइट मिलेगी और रेड एलिमेंट के साथ, और ये आपको मिल जाएगा कूल ग्लो बॉक्स, मतलब अगर आप ठंडी चीज़ कोई रखोगे तो इसके अंदर आप कोई चीज़ गर्म नहीं होगी, ठंडी रहेगी। और ये है इंटरेस्टिंग सा फीचर इस कंपनी मतलब जो दे रही है। और यहाँ पर आपको IRVM मिल ही जाएगा, SOS के साथ ही रीडिंग लाइट LED के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर सनरूफ मिल रहा है आपको, सनरूफ छोटा है लेकिन ठीक है। यहाँ पर LED लाइट एक और यहाँ पर ग्रैब हैंडल, वैनिटी मिरर आपको नहीं दिया गया है, नहीं भी इधर भी वैनिटी मिरर है लेकिन LED लाइट नहीं है। यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल और इसी से ही हो जाएंगे इंफोटेनमेंट कंट्रोल, वो जो स्विच है ना उसको स्विच दबाने पर यहाँ पर वेंटिलेटेड और हीटिंग का फंक्शन दिया गया है, आगे वाली सीटों में, पीछे वाले में नहीं। नीचे आपको यहाँ पर एक कंट्रोल सीट का मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको Type-C USB और 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पर वायरलेस चार्जर। यह फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का, ये पार्किंग कैमरा लगाने का, ये ड्राइव मोड, ये तो हो ही गया। और यह है इसका 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स, बैक गियर लगाने के लिए आपको ऐसे स्विच करना पड़ेगा, और यह लग गया बैक गियर। यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है इसकी की वही पहले की तरह नॉर्मल की आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। यहाँ से 2 कप होल्डर और ये थोड़ी सी डीप स्टोरेज कुशनिंग के साथ आर्मरेस्ट, और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट डोर। चलिए पीछे का डोर ओपन करके देखते हैं, कंफर्ट चेक करते हैं। जो मजबूत मतलब कि जो लोग नहीं लेते थे ना इस गाड़ी को, वो इसी कारण लेते थे कि जगह कम थी, अब जगह भी बढ़ा दी। यहाँ पर बोस की स्पीकर और यहाँ विंडो कंट्रोल के साथ यहाँ पर सॉफ्ट टच। चलिए कार के अंदर चलते हैं, अब काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है, वो पहले वाली बात नहीं रही कि जगह नहीं। यहाँ से आपको कोटुक मिल जाएगा ग्रैब हैंडल के साथ, और पीछे आपको सनसेट मिल जाएगा, और ये है इसका आर्मरेस्ट। लेदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। यहाँ पर आप दो कप होल्डर, यहाँ पर AC वेंट्स, थोड़ी स्पेस, और यहाँ पर Type-C और USB चार्जर। नी रूम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। हेडरूम भी अच्छा है, और अंडर थाई सपोर्ट ओसम है, ओसम मतलब अब कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर एल्यूमिनेटेड लाइट मिलेगी, मतलब चारों जो विंडो के कंट्रोल है ना वहाँ पर लाइट मिलेगी, और कुछ ऐसी दिखती है कार पीछे से। पहले आपको बूट चेक करा देता हूँ, बूट के अंदर काफ़ी डीप स्टोरेज, आप 2-3 मतलब खूब सामान रख सकते हो, मतलब जगह की कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर सब ऊपर मिलेगा, SX ऑप्शनल और SX में नहीं मिलेगा, खूब स्पेस है। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये पूरी LED लाइट के साथ सेटअप, और कुछ ऐसी दिखती है कार। तो कैसे लगी आपको हमारी और आपकी वरना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड